आज की वीडियो में होने वाला है धमाकेदार एक्शन, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए। तो मैच हो चुका है स्टार्ट। इस मैच में है रोमन रेंस, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स। थोड़ी देर में मैं कंट्रोलर रीअसाइन करके जॉन सीना बन करके खेलने वाला हूं और इस मैच में बहुत ही धमाके होने वाले हैं। जैसे अभी के अभी ये सारी ग्रिल्स टूट करके नीचे गिरने वाली हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। अरे ग्रिल टूट चुकी है एक साइड की, फ्रंट की ग्रिल भी टूटने वाली है, साइड की ग्रिल भी टूटी है। किसी ना किसी को तो अभी मैं यहाँ से नीचे फेंकूंगा, लेकिन उससे पहले जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है एक लिफ्ट, उस लिफ्ट को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि उस लिफ्ट में जाकर के कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो भाई मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और थोड़ी देर में मैं कर लेता हूं कंट्रोलर रीअसाइन और मैं बन जाऊंगा जॉन सीना। रोमन रेंस चले कोडी रोड्स को लेकर के, और अभी आपने देखा कि लिफ्ट का डोर ओपन हो चुका है, इसी लिफ्ट के अंदर हमें जाना है जॉन सीना बन करके। कोडी रोड्स और रोमन रेंस आपस में फाइट करते हुए इन दोनों में से कौन एलिमिनेट होगा, हाँ ये भी बता देता हूँ कि जिसका पिनफॉल हो जाएगा वो इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो अब बारी आ चुकी है कंट्रोलर अपने हाथ में लेने की। कोडी रोड्स बनू, नहीं रोमन नहीं, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस नहीं, मुझे बनना है जॉन सीना। और अब देखो जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करने वाला हूँ। सबसे पहले सेथ रॉलिंस को मैं इस लिफ्ट में सेंड करने वाला हूँ, सेंड करने वाला हूँ मतलब लिफ्ट में धक्का देने वाला हूँ। ये गए सेथ रॉलिंस लिफ्ट में और वो पहुंचे नीचे। बहुत बढ़िया बनाया है टाइम ट्रेवल, मजा आ गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब मुझे इस लिफ्ट के अंदर जाना है, लिफ्ट के अंदर जाने का टाइम हो चुका है। कोडी रोड थोड़ी शांति रखो, अभी देखो मजा आएगा। सेथ रॉलिंस ने रिवर्स कर दिया और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं सेथ रॉलिंस, लेकिन मुझे बचना था और मैं बचने के लिए लिफ्ट में घुस गया। आओ सेथ रॉलिंस जरा मेरे पीछे पीछे आओ। अब कोई वेपन लेकर के मैं चला पार्किंग लॉट में, जहां पर बहुत सारी कारें मिलेंगी और उन कारों के साथ भी हम करने वाले हैं खूब सारी मौज मस्ती और तोड़फोड़। तो एक बेसबॉल का बैट मुझे मिल चुका है। अरे ये सर किसका फूट गया यार, चलो जल्दी मेरे पीछे देखते हैं सबसे पहले पिटाई करवाने के लिए कौन आएगा। सेथ रॉलिंस को लगता है कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है, मुझे लग रहा है कि शायद सेथ रॉलिंस ही मेरे पीछे पीछे आए। तो मैं पहुंच चुका हूं पार्किंग लॉट में, तो कौन सी गाड़ी तोड़नी है जरा कमेंट करके तो बताओ मुझे। पार्किंग लॉट में मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। आने दो जरा दुश्मनों को नजदीक आने दो, किसी को उठा करके गाड़ी के शीशे में मुझे उसको पटकना है। ये है मेरा पार्किंग लॉट का टारगेट। सेथ रॉलिंस सबसे पहले मेरी तरफ पैदल चलकर जाते हुए और अब पड़ा उनको बेसबॉल बैट। कैसी रही सेथ रॉलिंस, जरा हमने उनका पिछवाड़ा भी फोड़ डाला। अरे 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 कुछ ज्यादा ही धुलाई हो गई सेथ रॉलिंस की। तो चलो अब इनको और ज्यादा डैमेज कर, अरे रे 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 गलत लग गया। अब इनको और ज्यादा डैमेज करने का टाइम आ चुका है। मैं इनको लेकर के चलता हूँ गाड़ी के पास। अब सेथ रॉलिंस पछताने वाले हैं कि वो पार्किंग लॉट में वापस क्यों आए। बोनट के ऊपर पटक दिया सेथ रॉलिंस को और अब बारी है गाड़ी का शीशा तोड़ने की। तो चलो सेथ रॉलिंस गाड़ी के शीशे की तरफ चलो और अब देखो जरा अब आएगा मजा। उठाया सेथ रॉलिंस को, किधर है गाड़ी का शीशा, इधर है ना, ये रहा। रोमन कहां से भाग कर आ गए मेरे पीछे और इसके साथ ही गाड़ी का शीशा और सेथ रॉलिंस का खोपड़ा दोनों
चूर चूर हो चुके हैं रोमन और कोडी रोड्स पीछे अपनी लड़ाई जारी करते हुए दूसरा शीशा भी टूटने वाला था लेकिन निशाना सही नहीं लगा। तो चलो अब सेथ रोलिंस के साथ कुछ और ट्राई किया जाए। गाड़ी का जो बोनेट है ना वहां पर भी एक बहुत ही बढ़िया मूव परफॉर्म करने का ऑप्शन देता है लेकिन ये रिवर्स ना कर दे, जिसका डर था वही हुआ, इसने कर दिया है रिवर्स और कोडी रोड्स, अरे रे 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 रे, चलो अच्छा ही किया सेथ रोलिंस को मारा। तो अब मुझे रोमन मिलने वाले हैं पक्का, ये आ गए रोमन और आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया रोमन रेंस ने। तो अब मुझे लड़ना है रोमन रेंस, लेकिन मैं रोमन रेंस को पीटना नहीं चाहता क्योंकि मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर में से एक है रोमन रेंस। कोडी रोड्स को हालांकि मैं बहुत बुरी तरह से धो सकता हूं। तो चलो रोमन चलो यहां से, मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ना चाहता। अरे सेथ रोलिंस मैंने एक शीशा तोड़ दिया है, दूसरा शीशा तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। चलो कोडी रोड्स और रोमन लड़े आपस में। अरे अरे रे 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 छोड़ दो भाई मुझे, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तब देखते हैं मेरे पीछे कौन आएंगे, कोडी रोड्स आ रहे हैं। तो ये जो रेड वाली गाड़ी है ना, अब इसका शीशा मैं कोडी रोड्स के खोपड़े से तोड़ने वाला हूँ। तो चलो कोडी रोड्स आ जाओ हवा में उठो, बहुत अच्छे। और अब चलो गाड़ी की तरफ, ये रहा शीशा और ये रहा खोपड़ा, खोपड़ा और शीशा दोनों बराबर कर दिया, दोनों चकरा चूर हो चुके हैं। कोडी रोड्स अब मेरे पीछे नहीं आना, रिप्ले देखते हैं जरा, बहुत ही मजेदार। वाह रिप्ले आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो वापस गेम में चलते हैं। अब कोडी रोड्स तुम भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए WWE 2K24 का तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे पहले कोडी रोड्स मुझसे अपना बदला ले, सामने सीढ़ी है और उसके आगे है पतली गली, तो सीढ़ी पे चढ़ना है और पतली गली से निकलना है। सेथ रोलिंस भी आ चुके हैं मेरे ही पीछे पीछे, तो एक एक करके सब ऊपर आएंगे, अब सब मुझे फॉलो करें। अब मैं किधर जाऊं, अब कोई रास्ता नहीं है, क्यों नहीं है, मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ, जरा मेरे पीछे पीछे आओ। अब ये वाली सीढ़ी पकड़ लेते हैं, ये मुझे पतली गली तक लेकर के जाएगी। रोमन भी ऊपर आते हुए, सेथ रोलिंस नीचे मंडराते हुए, अरे कोडी रोड्स खाली सीढ़ी नीचे कहाँ कूद रहे हैं कंक्रीट के ऊपर। मैं जरा ऊपर इन बक्सों को एक बार खोल के देख लेता हूँ, क्या पता इनमें कुछ मिल जाए, ये किसका पिनफॉल हो रहा है नीचे। चलो अब यहाँ से आगे निकला जाए। पतली गली में निकलने के बाद मेरे सामने आ गए रोमन रेंस। अब इससे पहले रोमन रेंस गुस्सा करे, मुझे लिफ्ट का यूज करके पहुंचना है नीचे। तो चलो अब सारे प्लेयर्स ऊपर हैं सिवाय कोडी रोड्स के, कोडी रोड्स अच्छी गहरी नींद ले रहे हैं। तो इससे पहले कोई मुझे मारे यहाँ से मैं कोई वेपन उठा लेता हूँ। आ जाओ भाई मैं तुम लोगों का यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कोडी रोड्स चले रोमन की तरफ और मुझे लग रहा है सेथ रोलिंस आएंगे मेरी तरफ। ये पड़ी चेयर लेकर उल्टा मुझे ही मार पड़ गई, अब कहीं चेयर मुझे ना खानी पड़ जाए, मुझे यहां से भी निकल लेना चाहिए क्योंकि इन लोगों के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे हैं। तो जाते जाते एक हिट सेथ रोलिंस को कर ही देते, कोडी रोड्स भी ऊपर आ चुके हैं। तो इससे पहले ये मुझे मारे मैं यहां से निकल लेता हूं, लेकिन रोमन मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। कोडी रोड्स डंडा लेकर के सेथ रोलिंस का खोपड़ा फोड़ने की कोशिश करने लग गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ से भागना है जैसे तैसे करके। रोमन भाई मेरे पीछे मत आइयो, मैं यहाँ से जा रहा। अरे ये किसने फेंक करके मारा फव्वाड़ा, जाते जाते एक चेयर रोमन को रखी देता हूँ। अरे रे 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 रे, फिनिशर भी पड़ गया यार, लेने के देने पड़ गए। अब मुझे करना है किक आउट और मैंने कर दिया है किक आउट। तो भलाई इसी में है, इन लोगों के बीच से, इस ट्रैफिक के बीच से मैं निकल लेता हूँ। चलो भाई टाटा बाय बाय, जिसको पिटना है वो मेरे पीछे आ जाना। चलो मैं यहाँ से दूर निकल लेता हूँ, मैं वहां से कल्टी हो लिया। ये डोर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, सेथ रोलिंस को फिर से खुजली होने लगी है, रोमन को भी होश आ चुका है, कोडी रोड्स भी अपने होश में आ चुके हैं। तीनों लोग अब मेरी तरफ लपकेंगे, मुझे किसी तरह से बचना है लेकिन मेरे हालात नहीं लग रहे हैं बचने के। मैं ये टीवी भी तोड़ देना चाहता हूं लेकिन ये टीवी का मुझे बोर्ड ज्यादा लग रहा है। अरे सेथ रोलिंस इतना भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, अरे रे 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 यार इतना मत मारो, मैंने रिवर्स कर दिया। रोमन कोडी के साथ लड़ते हुए सेथ रोलिंस मुझे कूटते हुए मुझे स्टंट करने की हालत में पहुंचा दिया है।
अब रोमन मेरे हाथ लग चुके हैं, अब देखो मैं रोमन के साथ क्या करने वाला हूँ। चाहता तो इनको फिनिशर भी दे देता, लेकिन ये वाला मूव भी करना बहुत जरूरी था। पता चल गया कि नकली टीवी रखा है 2K24 वालों ने, तो लगे हाथ एक सिग्नेचर भी हो जाए। चलो मजा आया। अब इतनी हाइट से रोमन जाने वाले हैं नीचे, कितनी जोर का धमाका हुआ, धुआं भी उड़ा और रिप्ले देख रहा तो बनता है, रिप्ले में धुआं नहीं नजर आया। कोई बात नहीं, बहुत ही मस्त सीन था। अरे 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 अरे, रिवाइंड हो गया क्या? गलत, चलो एक बार फिर से देख लिया, मस्त सीन था एक बार फिर से। वाह वाह वाह, रिप्ले कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो वापिस चलते हैं गेम में। चलो रोमन को तो उड़ा दिया, अब इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अरे अरे सेथ रोलिंस, मुझे लिफ्ट में कहां घसीट करके लेकर के जा रहे हो? अरे 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 यार, ये क्या कर दिया सेथ रोलिंस, अब मुझे मारने पे तुले हुए हो। अभी देखो मैं सेथ रोलिंस को सबसे पहले एलिमिनेट करने वाला हूँ। इन्होंने मुझे लिफ्ट में भेजा और उसके बाद ड्रैग करके लिफ्ट में से बाहर निकाला और उसके बाद मुझे हिट किया। अब सेथ रोलिंस आपका नंबर आ चुका है, मैं आ रहा हूँ लिफ्ट में, पीछे पीछे आ रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो लिफ्ट के दरवाजे खुल जा, सेम सेम मैं आ रहा हूँ ऊपर। सीढ़ी नहीं चढ़नी अपने को, मुझे लिफ्ट में ही ऊपर जाना है। मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर और अब सेथ रोलिंस को एलिमिनेट करने का टाइम आ चुका है। अरे रे रे, बहुत बढ़िया, लेकिन ये मेरे पास रोमन क्या कर रहा है? रोमन बीच में मेरा फिनिशर खराब मत करवा देना, लेकिन ये रिवर्स बहुत करता है। सेथ रोलिंस मुझे छोड़ दे और जाने दे। अरे छोड़ दिया और जाने दिया, जरा रिप्ले तो देख लें, बहुत ही ऑसम और मजेदार रिप्ले, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वापस आ चुके हैं गेम में, तो सेथ रोलिंस ने नाक में कुछ ज्यादा ही दम कर दिया है, तो अब सेथ रोलिंस को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। लेकिन सेथ रोलिंस पतली गली में है, उसको इस छत पर लेकर के आना होगा और फिर देखो मैं उसको फिनिशर लगाऊंगा। मेरे पास फिनिशर है दोनों के दोनों फिनिशर, मैं सेथ रोलिंस को लगा करके उसको एलिमिनेट जरूर करूंगा। आ जाओ भाई सेथ रोलिंस, जरा नीचे आ जाओ अपने आप ही, कोडी रोड थोड़ा साइड में रहो, मेरा शिकार मेरे सामने। अभी जरा देखो, जरा मैं उसकी कैसे बैंड बजाने वाला हूँ। सेथ रोलिंस, अभी देख मैंने रिवर्स कर दिया ना, अब तेरी बैंड बजेगी। ये रहा पहला फिनिशर, इस बार तो ये किकआउट पक्का करेगा, इसके पास रेजिलेंसी पक्का होगी। 1 2 3, तो अब गई रेजिलेंसी, अब मेरा सेकंड फिनिशर पड़ने वाला है। बस कोई बीच में आकर के मुझे डिस्टर्ब मत कर देना। और इसके साथ ही सेथ रोलिंस का गेम ओवर हो चुका है, रेफरी काउंट कर दे 1 2 एंड 3, तो पहला एलिमिनेशन इस मैच से हो चुका है सेथ रोलिंस का। तो अगला एलिमिनेशन किसका होगा ये डिपेंड करेगा कि मुझे मारने के लिए सबसे ज्यादा आगे कौन आएगा। ये मुझे यहां से कहीं नीचे ना फेंक दे कोडी रोड्स, ऐसी गलती कभी मत करना। अरे नहीं, मुझे इतनी हाइट से नीचे फेंक दिया, एक रिप्ले देखना तो बनता है। बहुत ही खतरनाक वाला मूव था ये, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस बिल्डिंग से भी किसी को नीचे फेंका जा सकता है। और हर बार जब भी मेरे साथ कुछ ना कुछ कांड होता है तो वहाँ रोमन रेंज पहले से मौजूद होते हैं। और अब देखो जरा रोमन, अरे यार मैं ऊपर से नीचे गिरा और आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया रोमन, कोई चाय पानी कुछ तो पूछ लेते कम से कम, लेकिन नहीं। तो सेथ रोलिंस हो चुके हैं एलिमिनेट, अगला नंबर अब है कोडी रोड्स को एलिमिनेट करने का, क्योंकि इसने मुझे इतनी हाइट से नीचे फेंका है। रोमन को मैं सबसे लास्ट में एलिमिनेट करूंगा, लेकिन इस मूव के बाद ये जो रोमन तूने मुझे मारा है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे सबसे पहले एलिमिनेट कर दूं। पिनफॉल मत करो क्योंकि मैं पिनफॉल, अरे नहीं नहीं, गलत बटन दब गया था। रोमन मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कोडी रोड तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं कहा था और फिनिशर देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। मेरी रेजिलेंसी, अरे किक आउट कर दिया जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसे टाइमिंग मैच हो गई, लेकिन इन दोनों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अब दोनों में से किसी ना किसी एक को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो चुका है मेरे लिए। रोमन रेंस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। अरे रे रे रे, ये कुर्सी मारने के लिए किसने कहा था कोडी रोड्स? अब तो अगला नंबर तेरा ही है, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ अगला नंबर एलिमिनेट करने का कोडी रोड्स का है। लगे हाथ एक चेयर,
रोमन के फेस के ऊपर भी, और बाकी बची चेयर पड़ेगी कोडी रोड्स को। तो कोडी रोड्स को मैं एलिमिनेट करने वाला हूं। दोनों की धुलाई कर दी है मैंने। क्या रोमन का पिनफॉल होगा? अगर नहीं तो रेजिलेंसी तो जाएगी ही, लेकिन नहीं, बिना रेजिलेंसी के ही रोमन ने कर दिया है किक आउट। मेरे पास कोई फिनिशर भी नहीं है। एक बार फिर से कोशिश करके देखेंगे। कोडी रोड बीच में मत घुसना, पिन फॉल करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। कोडी रोड्स, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम बार बार मुझे हिट करने की कोशिश कर रहे हो। पिन फॉल करके देखते हैं। नहीं, हार मानने वाले नहीं, मुझे पता था नहीं मानेंगे। रोमन ऊपर से मुझे अलग से कुटाई करते हुए दोनों बंदे मिल करके मुझे मारने पे लगे हुए हैं। कोडी रोड्स के साथ लड़ो रोमन, थोड़ी देर मुझे आराम कर लेने दो। अब मैं कोडी रोड्स को एलिमिनेट करने की कसम खा चुका हूँ। रोमन बीच में मत घुसना बस। हाँ, पिन फॉल करके देखते हैं एक बार फिर से। मुझे पता है कि नहीं होने वाला। टू, देखा, कहा था ना कि नहीं होगा। कोडी रोड्स मुझे मारने के लिए क्यों आ रहे हो? अभी देखो, अगला नंबर कोडी रोड्स का एलिमिनेट होने का। ये दोनों आपस में पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ये पड़ी रोमन रेंस को, कोडी रोड्स। अच्छा, मुझे भी रिवर्स करना आता है। जरा ये देखो कैसी रही। अब बस कोडी रोड्स का खेल खत्म। लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं, रिवर्स कर दिया। रोमन बस मुझे ही मारना बीच में आकर के। इसके अलावा यहाँ और कोई मौजूद नहीं है। ये देखो जरा, क्या रोमन का पिनफॉल होगा? वन टू, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। अरे कोडी रोड, तुमने क्या खा लिया है जो मेरे पीछे पड़े हुए हो, मुझे मारने पे लगे हुए? अच्छा किया रोमन उसको मारा, लेकिन मुझे मारा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब कोडी रोड उठेंगे और वो भी मुझे ही मारेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब की बार रोमन के पीछे हैं। रोमन ने भी अच्छा किया जो कोडी रोड्स को मारा। अभी देखना, थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी का जो हेड है वो सबका हेड रेड है, और किसी ना किसी के हेड में से ब्लड निकलेगा और वो पूरे फर्श पर फैलने वाला है। क्या अब रोमन का पिनफॉल होगा? रोमन आज क्या खा करके आए हैं भाई? बिल्कुल भी हार मानने की सिचुएशन में नहीं है। देखो रोमन के पास आपको नजर आएगा ब्लड लोर। अरे नहीं नहीं, वो ब्लड नहीं था, अब नजर आएगा, क्योंकि जॉन सीना के सर में चेयर बढ़ चुकी है। अब नजर आएगा, नजर आने लगा ना। जरा नीचे देखो, नीचे देखो, क्या कोडी रोड्स का पिनफॉल होगा? वन टू, रोमन चेयर मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ, बच गया, वरना ये चेयर मुझे पढ़नी थी अभी के अभी, और बैंड बज जाती। मेरे चैनल की बैंड ना बजे तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बड़ा सिग्नेचर और बहुत ही जल्द अब मजा आने वाला है। मैं फिनिशर लगा करके रोमन का काम तमाम करने वाला हूँ। बस अभी ये लगा फिनिशर, रिवर्स बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि एक ही फिनिशर है मेरे पास। और क्या जिनका पिनफॉल होगा? रेफरी काउंट करो, वन टू, लेकिन नहीं, रेजिलेंसी अभी भी है रोमन के पास। इतनी कम हेल्थ में कैसे किक आउट किया मुझे समझ में नहीं आया। दोबारा फिर से किक आउट, एक फिनिशर मेरा बर्बाद हो गया। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो सब कुछ आबाद हो जाएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्या अब रोमन का पिनफॉल होगा? अभी पिनफॉल करने का फायदा भी नहीं है। थोड़ी पिटाई कर लेते हैं रोमन रेंस की। इतनी कम हेल्थ में उसने किक आउट कैसे किया मुझे भी समझ में नहीं आया। मेरे पास अभी फिनिशर और सिग्नेचर नहीं है। एक दो हिट और लगानी पड़ेगी, लेकिन हिट तो मुझे पड़ रही है रोमन रेंस की तरफ से, और मुझे लगा दिया अपना सबमिशन मूव, और मैं गया टैप आउट करने वाले इस सिचुएशन में पहुंच गया हूं मैं। बिल्कुल नहीं, जोर से बटन दबाना पड़ेगा। मैं गया, बस गया 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 बच गया बच गया 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 बच गया बच गया बच गया। थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं टैप आउट करने के। जैसे तैसे करके मैं गया था, ये मैच बस हारने ही वाला था। जैसे तैसे करके इस मैच को अभी बचाया हुआ है, लेकिन सबमिशन लगा हुआ है। मुझे जल्दी जल्दी बटन टैप आउट करके इस सबमिशन को ख़त्म करना है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है अपनी रेजिलेंसी गंवाना। और रेजिलेंसी अगर चली गई और फिर फिनिशर पड़ गया, उसके बाद समझो सारा काम तमाम, और ये फिर से मीटर ब्लू वाला कम होता हुआ। लेकिन अब मैंने जैसे तैसे करके स्थिति को संभाल लिया है। मैं अब सबमिशन नहीं करने वाला, टैप आउट नहीं करने वाला। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना,
बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। चलो भाई जल्दी से निकालो, बच गया भाई जैसे तैसे करके। मेरे पास कोई सिग्नेचर फिनिशर भी नहीं है जो मैं लगा करके, अभी तो यार इसके पास रेजिलेंसी भी है, मुझे दो फिनिशर की जरूरत पड़ेगी इस बंदे को हराने के लिए। आज पता नहीं क्या खा करके आया, देखो फर्श पे आपको ब्लड नजर आ रहा है ना, रोमन के पैरों में देखो जरा एक बार। ये बहुत बढ़िया बनाया है टुके ने, क्या अब इसका पिनफॉल होगा? 1-2 रेजिलेंसी चली गई बिना फिनिशर के रोमन रेंस की। अब इसको पिनफॉल करना बहुत आसान हो जाएगा, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ रोमन रेंस को। रोमन के पास फिनिशर देखो जरा, दो दो फिनिशर है, और क्या अब पिनफॉल होगा? 1-2 और इसके साथ ही ये मैच मैंने जीत लिया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाले वीडियोस भी जरूर देख लेना। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।